गुड मॉर्निंग गाइस, आज का दिन थोड़ा लेट शुरू हुआ क्योंकि पिछले दो दिन से मैं 3 बजे सो रहा हूँ, सुबह 6 बजे उठ रहा हूँ, आज 8:30 बज गए मुझे उठते उठते। और अभी नया व्लॉग, सेकंड व्लॉग मेरा प्रीमियर होने जा रहा है, तो देखते हैं वहाँ पे आप क्या कमेंट करते हैं। बाकी मिलते हैं, सारा दिन क्या करना है, क्या होगा आज, कुछ हो सकता है सरप्राइज भी हो आपके लिए। आपने मेरा गम सारा फूल मार दिया, तुमने ओवर वाटरिंग करके इसको मारा है। लेकिन इसको जिंदा करो ना, दिखाओ कैसे इसको जिंदा करें। यार ये इसमें इतना पानी डाल दिया था तुमने, अभी जिंदा है, मरा नहीं है। Hey Google, stop the song. Fancy. इतना इरिटेशन से तुमने गूगल को बोला है डांट के। Slightly fancy. Hey Google, turn on the lights. Hey Google, turn on the lights. Finally, प्यार से बोलना होता है। और तुम डांट के बोल रहे हो। Hey Google, turn the light to white. Hey Google, turn the light intensity to 100%. चिल्ला क्यों रहे? I'm slightly fancy. चलो निहाल, एक दिन तो जाना है। इसी बात पे कॉफी पी जाए। कॉफी पी लो। लाइट के अगेंस्ट देखते हैं, फर्क पड़ रहा है। बहुत दिन से मैंने दाढ़ी नहीं साफ की थी क्योंकि घर पे बैठे हैं, लॉकडाउन था, तो मुझे लगा अच्छा रहेगा कि दाढ़ी थोड़ी थोड़ी बेटर हो जाए, अच्छा दिखता आदमी। चाय बना रहे ना? थैंक यू। जंक कट्स आर आल्सो यूज्ड टू ऐड अ लेवल। मैं आज आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज शेयर करने वाला हूँ और आई एम श्योर आपको उसे देख के बहुत मजा आएगा। आज सोचा था कम से कम 3 महीने के बाद की आज सैर करने जाऊंगा और ये देखो गया सैर करने। अच्छा ये गरम किया? गरम कर दिया। काफी टेस्टी। अच्छा ये क्रीम वही है जो हरप्रीत ने केक पर डाली? क्या कहते हो इस बिस्किट के बारे में? ओहो पागल बने हो बारे में है ना? ऐसे थोड़ी मैं स्ट्रॉबेरी ढूंढ रहा हूँ जगह मुझे पता है क्या खाना है। नहीं नहीं वहाँ वहाँ कहीं एक चिड़िया है जिसकी फोटो खींचने के लिए निहाल अभी कैमरा लेने गया है। अरे यार ये 4 चिड़िया एक साथ तो समझ में नहीं आता है कि साला है कहाँ। फिर ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे कर रहे हो, फिर ऐसे देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो। फिर वो असल में मुझे लगता है कि अपने आप में ना हर चीज़ अपना रियाज मांगती है, तो ये भी एक तरह का रियाज है कि आप लेंस के थ्रू चिड़िया को देखना शुरू कर दो। घूमने के लिए कम से कम 2.5 महीने बाद, मतलब लॉकडाउन से पहले ही कभी निकलाऊंगा तो निकलाऊंगा। चलते हैं वॉक पे और आप भी मेरे साथ हो। Yeah, I go for walks. ये मेरा पतला वाला वॉकिंग मास्क है। अभी प्लबिता को बाय करके आया हूँ और बहुत ही फनी है। बात करो साला, स्माइल कर रहे हो पता नहीं चल रहा है, हंस रहे हो पता नहीं चल रहा है। मैंने अभी कुछ दिन पहले कोकोनट शेल से प्लेक्ट्रम बनाया था, प्लेक्ट्रम एज इन गिटार पिक जो जानते नहीं। I'll show you. तो ये देख रहे हैं आप, ये कोकोनट शेल से बना है और ये कैसे बना है मैं अभी दिखाता हूँ आपको। सो ये देखिए आप देख रहे हैं मेरे सामने इतने सारे औजार पड़े हैं, क्यों? क्योंकि मुझे प्लेक्ट्रम नहीं मिल रहा है
गिटार बजाने के लिए पिक नहीं मिल रहा है, बहुत टाइम से मैं मार्केट में देख रहा था नहीं मिल रहा था, और अब अमेजोन पे भी नहीं मिल रहा है। अब लॉकडाउन की वजह से घर बैठे हैं तो घर पे ही बनाना पड़ेगा। Here I've got some coconut shell. ये मेरे थोड़े औजार हैं, दिस इज सैंड पेपर और यारी है काटने के लिए, एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। बचने के लिए भी तो मास्क पहनना होता है, ठीक है कोविड से बचने के लिए पहनना वो तो जरूरी है ही, लेकिन डस्ट से भी तो बचना था एक जमाने में। शेप में आ रहा धीरे धीरे। फाइनली हमारा प्लेक्ट्रम बन गया, अब हम गिटार बजा सकते हैं। आई होप आपको प्लेक्ट्रम का वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको अगर कोई भी सवाल हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगली बार आप कुछ आपका मन हो कि मैं कुछ गाना गा के सुनाऊँ आपको या कुछ गिटार बजा के सुनाऊँ तो वो आप मुझे बताइएगा खुल के, मतलब जस्ट कमेंट इफ़ यू हैव एनी सजेशन, इफ़ यू हैव एनी फीडबैक। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, उससे बहुत इनकरेजमेंट मिलती है, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों से भी बोलिए कि सब्सक्राइब करें अगर आपको लगता है कि कोई इस तरह का कंटेंट देखना चाहेगा। थैंक यू सो मच।